एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.6 हम ये इसको अब इस वीडियो में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि प्रीवियस जो फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस बनी थी उसमें हमने 1.6 डिस्कस नहीं करी थी। क्वेश्चन इज फाइंड 64 पार 1 अपॉन 2, 64 पार 1 अपॉन 2। पहले मैं जनरल फॉर्म सॉल्व करना बताती हूँ। इट्स लाइक सॉल्विंग द nth रूट ऑफ ए, सो लेट x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ ए। इसको x के इक्वल ले लिया, टेकिंग n पावर बोथ साइड, इसकी भी पावर n ली और इसकी भी पावर हम n लेंगे। सो x पावर n, nth रूट को हम लिख सकते हैं 1/n n, और एक पावर n है, n से n कैंसिल। सो x पावर n इज इक्वल टू ए, एक्स पार एन इज इक्वल टू ए मीन्स ए को हमने किस फॉर्म में लिखना है, एक्स पार एन में। कोई और रियल नंबर, ए इज अ रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, ए इज पॉजिटिव रियल नंबर, एक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव रियल नंबर एंड एन इज पॉजिटिव इंटीजियर। सो इस ए को हमने कन्वर्ट करना है कैसे रियल नंबर में जिसकी पार एन हो, लाइक 64, 64 को हमने ऐसे रियल नंबर में कन्वर्ट करना है जिसकी पावर 2 हो, क्योंकि यहाँ a है 64 और n है 2। सो आई कैन राइट इट 8 स्क्वेयर, 2 से 2 कैंसिल एंड आंसर इज 8। सेकेंड पार्ट, 32 पार 1 अपॉन 2। अब 32 को मैं कौन से रियल नंबर में कन्वर्ट करूँगी जिसमें आपके पास, सॉरी इट वॉज 32 पार 1/5। अब ए क्या है आपके पास, 32, और एन क्या है 5, तो 32 को मैं लिख सकती हूँ 2 पार 5। सो 5 कैंसिल विथ 5, आंसर इज 2। नेक्स्ट 125 पार 1/3। 125 इज अ रियल नंबर, बट हम इसको ऐसे रियल नंबर में कन्वर्ट करेंगे जिसकी पार 3 हो। सो 5 पार 3, आंसर इज 5। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, इट्स एन पार 3/2। सो वी विल राइट 9 3 स्क्वेयर एंड पार 3/2। और आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद है, ए पार एम पार एन क्या होता था, ए पार एम इंटू एन। इन द सेम वे इट्स 3 2 × 3/2। सो 2 कैंसिल विद 2, 3 पार 3 दैट इज 27। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन, 32 पार 2/5। सो 32 को हम ऐसे रियल नंबर में चेंज करेंगे जिसकी पार 5 हो। सो आई कैन राइट 2 पार 5, 32 इज 2 पार 5 एंड दिस 2 पार 5 इज हियर। सो पावर विल बी मल्टीप्लाइड, आंसर इज 4। 16 पार, नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 पार 3/4। सो 16, 4 स्क्वेयर नहीं लिखेंगे हम, 16 को ऐसे नंबर में चेंज करेंगे जिसकी पार 4 हो, तो 2 पार 4 3/4, सो इट्स 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, 125 पार -1/3। 120, वी विल कन्वर्ट 125 to the real number whose power is 3. So 125 is 5 power 3 and it's minus 1/3, cancel. So 5 power minus 1 that is equal to 1/5. Now question number 3, 2 power 2/3 multiply 2 power 1/5. अब यहाँ कौन सा लॉ लगेगा, ए पार एम इंटू ए पार एन, बेस सेम है, दो पावर विल बी एडिड।
सो यहाँ बेस टू है, यहाँ भी बेस टू है, पावर ऐड हो जाएंगी 2/3 एंड 1/5, और 2/3 और 1/5 को सिंपल ऐड करना है जो आपने फोर्थ क्लास में फ्रैक्शन के चैप्टर में करा था, एलसीएम 15, इट्स 10 एंड इट्स 3, सो इट्स 13/15, 2/13/15. सेकेंड पार्ट 1/3/3 एंड होल पार 7, ए पार एम अपॉन ए पार एन बी पार एम सॉरी ए पार एम अपॉन बी पार एम ये होता था ए अपॉन बी पार एम. मतलब यहाँ पूरी टर्म के ऊपर पार है तो वो न्यूमिरेटर की भी पार होगी और डिनोमिनेटर की भी पावर होगी. 1/7 इज 1 एंड अगेन इन द डिनोमिनेटर वी विल यूज द अदर लॉ, सो इट्स 1/3/21. देन नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट 11/1/2/11/1/4 ए अपॉन एम अपॉन ए अपॉन एन इज इक्वल टू ए पार एम माइनस एन. सो 11/1/2 - 1/4 11 एलसीएम विल बी 4, सो इट्स 2 - 1 11/1/4 एंड लास्ट पार्ट 7/1/2 8/1/2. अब बेस सेम नहीं है, यहाँ बेस सेम थे हमारे पास, यहाँ ऊपर भी बेस सेम थे, यहाँ बेस सेम नहीं है बट पावर सेम है. जहाँ बेस सेम नहीं हो बट पावर सेम हो तो वो क्या हो जाता था आपके पास, a इंटू बी और पावर एक बार बाहर. सिमिलर वे 7/8 और पावर लिखेंगे बाहर, इट्स 56/1/2. दैट्स इट.